तो आज का व्लॉग ना हम यहाँ पे स्टार्ट करें क्योंकि आज कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले, इंटरेस्टिंग नहीं मतलब नॉर्मल चाहिए। तो आज ना सुबह ये मेरा पहले तो 4-5 दिन से ये मेरा सर खाई हुई थी कि दी चलो कुछ तुमको टेस्ट कराएंगे। हम बोले क्या मतलब, इसके स्कूल के बगल में एक गली है जहाँ पे बहुत अच्छे स्ट्रीट फूड्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू हर। तो देखते हैं क्या क्या मेरे को टेस्ट कराने वाली है आज। तो आज मैं बहुत दिनों से व्लॉग नहीं बना रही थी, मैंने सोचा चलो आज इसका ही शूट कर देते हैं। ये इसको ना डर लग रहा है कि हम इसका कहीं ज़्यादा खर्चा ना करा दें। तो अभी जो मैं इस दुकान के पीछे मतलब सामने खड़ी हूँ ना, तो सबसे पहले शालिनी मुझको यहीं लेके जाएगी, पता नहीं क्या खिलाने वाली है। ये इसका मेन्यू, तो वो बोलिए मुझे कि दी सब में से मुझे पोटैटो टोमेटो बहुत अच्छा लगता है। कितने रुपये इसका है? 60। ओके चलिए ट्राई करते हैं। यार बहुत सस्ता है ना दुकान के हिसाब से। दुकान का नाम मतलब ये दुकान है। और सो हे गाइस, चलिए अब अंदर चलते हैं। चलो तो यहाँ का मेन्यू है बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता ही है। तो शालिनी जो है मंगाएगी, जो इसका मन है मतलब ये ना दिस वन। ठीक है, इसका प्राइस तो 60 है। और ऊपर में जगह नहीं है क्या? टॉर्नेडो सॉरी। ठीक है, इंग्लिश मेरी कितनी गंदी है। ऑर्डर तो हमने दे चुका है, अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अभी यहाँ का चेयर भी बहुत अच्छा है, जोर से लेट्स सी कैसा होगा। और यहाँ पे शायद किचन है अंदर, तो सब कोई वहीं से सब मंगा रहा है। ऊपर में तो खाली हो चुका है, चलना इस वीडियो में। मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया, ऑनेस्टली मैंने बता दिया। आई एम अबाउट टू शादी का नहीं करना। ऑनेस्टली बताऊँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यार। अच्छी पता नहीं कैसा लगेगा। हाँ हाँ इसको ठीक लग रहा है, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। खराब भी नहीं। 10 out of 7 मेरे हिसाब से 10 out of 9। अकॉर्डिंग टू मी ना ये 10 out of 7 था। शालिनी का मुझे नहीं पता, शालिनी का छोड़ दो, उसमें कुछ भी नहीं है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या ट्राई करते हैं। खाया नहीं इतना का टिश्यू वसूल कर लिया, वो अंकल ने खुद ही दिया पता है, इसने लिया भी नहीं। उन्होंने कहा ले जाओ मतलब। माय गॉड इतना सारा, मैंने तो बस दो ही मांगा। पता नहीं कौन सा आइसक्रीम टेस्ट कराने वाली है, मैं भी नहीं जानती, लेकिन इसका मरना तो वैसे पेट भर गया वो खा के, लेकिन फिर भी जिस दिन खाना होता है उस दिन बस खाते ही रहो। ये है नेक्स्ट,
आइसक्रीम और तो खा लिया। अभी नेक्स्ट शालिनी, यहाँ का दो तीन चीज़ें ज़्यादा फेमस है, मतलब ये कौन सा एरिया है? ये है राम मंदिर एरिया। राम मंदिर एरिया है ये, तो MG रोड के आगे थोड़ा है, महात्मा गांधी रोड के आगे है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग सिर्फ दो चीज़ और बचे हैं, याद आ रही पानी, मोमो आइसक्रीम और ये जो टॉर्नेडो आज इसने खिलाया मुझे वो। तो ये तीन चीज़ें ज़्यादा मतलब यहाँ का फेमस है और बाकी सब नॉर्मल है। हाँ भाई पानी पूरी, ठीक है। तो अभी क्या खाए समझ नहीं आ रहा, पेट भरी है लेकिन यू नो, तो इसीलिए मोमो खा रहे हैं। इसलिए मोमो आज मैं अभी ट्राई करवाती हूँ। मोमो अच्छा तो होगा ना? या अब तो वो ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। वैसे आज का व्लॉग मैं टोटल शालिनी के ऊपर ही था, क्योंकि मतलब अगर शालिनी नहीं होती यहाँ पे तो मैं कैसे व्लॉग शूट करती। वो रहा शॉप मोमो का, कौन सा चटनी जल रहा है एक्चुअली ना मोमो ना बहुत इधर एक तो मोमो बहुत ही तीखा था उसकी चटनी, और मैं ना मुझे तीखा लग रहा है फिर भी मिर्ची की चटनी के साथ ही खा रही थी, मेरे गले में लग रहा है बहुत। माय गॉड मुंह जल रहा है पूरा, मैं इतनी पागल हूँ, मुझे मीठे चटनी के साथ खाना चाहिए, तीखा लग रहा है तो मैं और तीखे चटनी के साथ खाया जा रही हूँ, खाया जा रही हूँ पता नहीं किस खुशी में। और मैं अभी आप लोगों को ट्राई करना, आप लोगों को नहीं मैं खुद ही ट्राई करूँगी और गाइस मुंह तो बहुत छोटा है लेकिन गोलगप्पा बहुत बड़ा है, फिर भी खाना है। और ये रहा, ये मेरा स्कूल है, तो इतना तीखा लग रहा है अभी तक क्या बताएं। थैंक यू फॉर योर ट्रीट शालिनी, कभी नहीं भूलेंगे। पता है ये जो है ना, मैंने ना एक अंकल थे तो वो ना बना रहे थे, मुझे उन पे इतनी दया आई ना कि मैंने लाइक खरीद लिया। शालिनी बोल रही थी नहीं टेस्टी नहीं होता है मत लो दी, पर मैंने ना फिर भी ले लिया क्योंकि मुझे बहुत दया आ रही थी, सही बता रही। तो शालिनी का एक्सप्रेशन पता है गाइस, मोमो खा के हम रोने लगे थे, हम और मेरी दीदी पूरा रोने लगे थे। नहीं हम नहीं रोए थे, बट मेरे ना वो जाता है ना थोड़ा लग जाता है आँख में, वैसा कुछ हो गया था। ऑनेस्टली बताए इतना खा लिए ना कि फिर ना पेट में बिल्कुल जगह खा के बोलते हैं पेट में ना बिल्कुल जगह नहीं है, तो ये भी ले लिया है तो ये भी फिनिश करना पड़ेगा। मैं अपनी दीदी के साथ में ये पहनूंगी, मैं करूँगी ना तो अपने शादी में पहन लेना। चलते हैं घर अभी, चलते हैं घर बिकॉज टाइम भी हो गया है, 6 बजने वाले हैं शायद। शालिनी कहाँ चली गई समझ तो बहुत हो गया।
चलिए मेट्रो का इंतजार है। बैठ सकती हो, बैठ जाओ। अरे बस अभी ये बंद होगा, हो गया और हम पहुंच चुके हैं। नहीं यहाँ नहीं, वहाँ चलो। इतना मेहनत कौन करने जाएगा, सीढ़ी में से चलने से यहाँ से जाएंगे। सो गाइस अब चलते हैं लिफ्ट में। गाइस आपको पता है मैं क्या करती हूँ, हमेशा अपने शूज़ को पॉलिश करती हूँ ऐसे करके, और ये हो भी जाता है। इट्स गुड। अरे यहाँ का मुझे पेंटिंग बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं ऊपर। सोचा था ना कि जल्दी से खा पी के घर जाके रेस्ट करेंगे, अगर ट्यूशन का कुछ वर्क होगा तो वो भी करेंगे। गाइस आपको पता है हम लोग अभी रील्स बना रहे थे, पर इसने ना इतना रील बना के दिमाग मेरा खराब कर दिया। बाय द वे कोई है तो नहीं, अब बना सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कब तक यार। गाइस आपको दो कपल्स लोग हमें देख रहे थे तो ना मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आज का जो व्लॉग था वो मैंने क्यों स्टार्ट किया मैं भी नहीं जानती। इसने ना कल रात से मेरा सर खाया हुआ था, बोल रही है दी मैं ना आपको ट्रीट देने वाली हूँ, दी मैं ना आपको ट्रीट देने वाली हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं स्कूल से भागी भागी जल्दी आई, 10 मिनट में रेडी होकर इसके स्कूल के लिए निकली मैं, फिर भी लेट हो गया। ट्रीट के लिए सब भागे भागे आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगा तुम्हारा मन ख़राब हो जाएगा इसलिए मैं तुम्हारा मन ख़राब नहीं करना चाहती थी। तो मैं गई वहाँ, इतना तो इसने दिखा ही खिला दिया कि पता नहीं क्या ही अब मैं बोल सकती हूँ, पर ठीक है कोई बात नहीं, थैंक यू। वैसे वो लास्ट जो आइसक्रीम को भी अच्छा लगा ना, अच्छा लगा वो जो मैंने आइसक्रीम खाया था ना, उससे थोड़ी राहत थी। अब बस घर जाएंगे यहाँ से और ट्यूशन की तैयारी करेंगे, स्कूल का वर्क है वो भी करेंगे। वैसे मुझे तो बहुत मज़ा आया, सबसे मेरे लिए चैलेंज ये है कि मैं कभी भी ना बाहर निकल के मैंने व्लॉगिंग नहीं की है, और इतने लोगों के सामने जब मैं कैमरा उठाती हूँ ना सब मेरा मुंह देखते हैं, यार कितना ऑकवर्ड लगता है। पर फिर भी मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करके मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना शर्माऊँ, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। ये बदला ले रही है, ये छोड़ूंगी no, मैंने तुम्हें। अच्छा सुनो एक बात बताओ, अपना बैग वहीं छोड़ दूंगी क्या? और बॉटल कहाँ हुआ यार? बॉटल भी है, जाओ लेकर आओ। एक मिनट इधर आना। क्या हुआ? किधर आना? क्या हुआ? मुझे कैमरा दे दो। बाय गाइस, मैं आपको मिलती हूँ बाद में, बिकॉज अभी मुझे गाइस अभी मुझे एक रील बनाना है, आप देख सकते हो मैं एक रील बनाऊंगी। बैग लेके आना प्लीज प्लीज। वहाँ से निकल चुके हैं और सिर्फ अब गेट नंबर 4 से जाएंगे घर अपना, और उसके बाद पहुँच जाएंगे घर। और तो आज का पूरा दिन बहुत ही थकाने वाला था, फिर घर आके भी मैं बहुत थक गई। तो अभी ये व्लॉग यही एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, मतलब बाय बाय। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ इसका चेहरा मत देखना, इतनी मासूम ये दिखती है, अपनी है नहीं।